हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सेफ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ब्लॉग विद निशु। तो चलिए, आज का ब्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ। हो चुकी है सुबह। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज है कुछ खास दिन। जी हाँ, आपको पता ही होगा, आज है देवउत्थान एकादशी, जो कि आज के दिन जो है तुलसी माँ का विवाह हुआ था। किन से? सालिग्राम भगवान से। हाँ जी, तुलसी माँ का विवाह सालिग्राम भगवान से हुआ था। और आज है कार्तिक मास, को वैसे ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि कार्तिक मास जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही विष्णु भगवान जी को प्रिय है। तो वो आज का ब्लॉग है देवउत्थान एकादशी पे। आज मैं क्या करने वाली हूँ, किस तरीके से आज मैं पूजा करने वाली हूँ अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की, तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ इस ब्लॉग में। ठीक है, तो जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर के फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपके पास जो है वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जी हाँ, सुबह हो चुकी है और सभी लोग जा चुके हैं। हमारे जो है, मेरी वैष्णवी स्कूल चली गई, हस्बैंड जी चले गए ऑफिस, और मैं और मेरा बेबी है। ये बहुत ही पूरे दिन गाइस परेशान करता रहता है पूरे दिन। बेबी कृष्णा लाला, हाय कदो, हाय, हेलो गाइस, कदो हेलो गाइस। ये नहीं करेगा गाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि देखिए, जो कि है ना, इसके बाबू है। आप देखिए, मैं अकेली हूँ। जो भी मुझे टाइम मिल पाता है गाइस, तो इसमें ही मैं शूट कर पाती हूँ। ठीक है, तो आप लोगों से प्लीज 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 रिक्वेस्ट है, फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें कि देवउत्थान एकादशी में कैसे होता है। अगर आप लोगों में भी होता है तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ, हम लोग इस तरीके से जो है करते हैं। ठीक है, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में एंड तक। और अब मैं जा रही हूँ फटाफट नहाने, और नहाने के बाद फिर आप लोगों से मैं शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैं एकादशी का, जी हाँ, आज मेरा फास्टिंग भी है, आज फास्टिंग पे हूँ मैं। जी हाँ, आज मैं वेयर करने वाली हूँ ये साड़ी। ये साड़ी पहनने वाली हूँ आज, मैं जा रही हूँ नहाने फटाफट से। ठीक है, टू बी कंटिन्यू, इसमें बने रहे मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, ये बच्चा जा रहा है बाहर। कृष्णा हाय, कहाँ जा रहे हो भाई? कहाँ जाते हो भाई छाप? ओ भाई छाप, कहाँ जा रहे हो? ओके गाइस, देन अगेन सब्सक्राइब माय चैनल, पूरा व्यू देखें। ओके, बने रहे मेरे ब्लॉग में। ये मैंने बना लिया है प्रसाद, पंजीरी। हे गाइस, अगेन 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 आपको देवउत्थान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि मैंने बना कहा था कि अब मैं जा रही नहाने, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि आज मैं कौन सी साड़ी वेयर करूंगी, तो मैंने ये वाली साड़ी वेयर की है। ठीक है, और चलिए देखिए, मैंने अब पूजा का सामान की तैयारी कर ली है, तो और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। ठीक है, तो आप लोग बने रहे मेरे साथ और देखिए मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी की पूजा।
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में पसीनाऊं मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में पसीनाऊं मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। आरती वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीरता। वेद तेरी महिमा गाए, संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ मीरतान। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुमको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, जिसने तेरा नाम लिया उसके जागे भाग। सोते हुए जीवन से अब तो प्राण जाए। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव त्वमेव बंधु सखा, त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम्, त्वमेव त्वमेव सर्वम् मम देवदे अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिश्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम तिखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। कब से अखियां बरस गई अब तो आजा, आजा गोपाल तरस गए नैना, आजा नंदलाल बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना, तरस गए नैना बरस गए नैना। हरे रामा 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 हरे हरे हरे। हे गाइस, तो देखा आपने कि मेरी हो चुकी है पूजा, और अब जो है पूजा कंप्लीट हो गई है। बाकी जो है आज जो है तुलसी का विवाह है, तुलसी विवाह का जो है मैं वो शाम में कैसे क्या करती हूँ वो आप देखिएगा कि किस तरीके से तुलसी माता का विवाह हुआ है आज सालिग्राम भगवान जी से। ठीक है, गाइस तो देखिए फटाफट से ये मैंने तैयारी कर ली है तुलसी माता की पूजा के लिए। ये सामान सब लेके आई हूँ मैं, ये चुन्नी है, फूल है, माला है, जो भी है आप लोगों से मैं जरूर शेयर करूंगी। ये मैंने पीस के रख लिया, इसे पिठार कहते हैं, चावल को जो भिगो के उसको पीसते हैं उसको शुभ माना जाता है, तो उसका हम लोग वो बनाएंगे, रंगोली टाइप में होता है, हमारे यहाँ आहिपन बोला जाता है उसको, आहिपन में बनाऊंगी अब मैं। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से मैं ये तुलसी विवाह का पूजा कैसे।
तो देखा आपने, ये तैयार हो चुके हैं दूल्हा दुल्हन हमारे, भगवान जी सत्यनारायण भगवान, शालिग्राम भगवान और हमारी तुलसी माता। और अब मैं लगाने जा रही हूँ दिया। दिया लगाने के बाद उनका लगाऊंगी भोग, फिर हैप्पी एंडिंग हो जाएगा भगवान जी की हैप्पी मैरिज। ठीक है, तो बने रहे हमारे ब्लॉग में। हे एवरीवन, तो अब मैं कर रही हूँ ये ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो देखा आपने कि इस तरीके से होता है हमारे यहाँ तुलसी का विवाह, और इस तरीके से मैंने ये किया है पूजा। अब कैसा लगा मेरा ब्लॉग? अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो फटाफट से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तब तक सेफ रहे, अपना ध्यान रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक टाटा बाय बाय। अपना प्यार जरूर बनाए रखिए। बाय बाय।